श्री राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे श्याम श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे हाँ बस बोले भागवत महापुराण की बोले सत्य सनातन धर्म की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले चित्रकूट धाम की बोले यमुना मैया की बोले नंद के लाला की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा में कोटि 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 प्रणाम। आओ गुरुवर मेरे माला डालू तेरे तुमको ध्याओ आओ गुरुवर मेरे माला डालू तेरे तुमको ध्याओ उजे आसन पर तुमको बिठाओ उजे आसन पर तुमको बिठाओ आओ गुरुवर मेरे बने
जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, पार्वती पते हरे 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 महादेव। शंभो श्री राधे, श्री राधे श्याम। हमारे जो भी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोग खड़े हो जाएं और हम सब लोग मिलके श्री ठाकुर जी की आए, सब लोग मिलके श्री चंद्रमा मन सो जात चक्षो सूर्यो अजायत सोत्रा द्वाइश प्राणिश्च मुखाद्दग्नि राजायत। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। हरि ओम माम कुंद माधव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राघवाय नमः, माधवाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मारार्तिक्यं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान के
चित्रकूट धाम के कामदानाथ सरकार के वेद व्यास जी महाराज के यमुना महारानी के फाल्गुन गिरि बाबा के जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान से बैठ जाएं और दिव्य महाराज श्री के मुखारविंद से कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरि, श्री श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्पिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेक कूटं बहुवर्ण कूटं श्री चित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। चित्रकूट धाम की जय। कामतगिरी सरकार की जय।
मंदाकिनी मैया की जय हो। राजाधिराज सरकार की जय हो। फाल्गुनी बाबा की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आह्लादनी शक्ति लाडली प्रिया राधिका जो अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज के दिव्य पावन भावमयी उपस्थिति में हमारी मोहमयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी वंदनीय माताएं गीता सीता चरितों को चरित्रार्थ करने वाली वंदनीय बहनें संसार उपवन में खिलते हुए नन्हे पुष्पों की तरह छोटे बालक वृंद और मुख्य यजमान के रूप में हमारे श्रद्धेय सुभाष जी श्रद्धेय मधु जी और उनका संपूर्ण परिकर और परिवार। आइए भगवान नाम गा करके वन और वाणी को पावन करें फिर भगवान की कथा को रस स्वादन करें। बोल वृंदावन बिहारी हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका गाइए हे राधिका हे राधिका हे माधवा Radhika, Radhika.
नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः कल के दिव्य पावन प्रसंग में हमने भगवान के जन्म की कथा सुनी। भगवान का जन्म मथुरा की जेल में ठीक 12 बजे हुआ। अब आप यहीं से विचार कर सकते हैं कि जिसका जन्म जेल में हुआ हो उसकी लीलाएं साधारण नहीं हैं। इसीलिए हमारे ठाकुर की लीलाएं असाधारण हैं, उनको समझना जरा सा कठिन है महाराज। तो कल तो हमने मथुरा की लीला श्रवण करी, आइए अब हम सब चलते हैं नंदगांव, जहां के राजा हैं बाबा नंद और महारानी हैं यशोदा। 85 वर्ष की अवस्था है गई, अभी तक काउ कृपा न भई। एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके वापस आ रहे थे तो अपनी अपनी अथाइयों में ब्रजवासी ब्राह्मण बैठे, तो नंद बाबा ने सबन को प्रणाम कियो तो सब ब्राह्मणन के मुखते अचानक आशीर्वाद निकल गयो, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कही, ब्राह्मणों आप लोगों ने सोच समझ के आशीर्वाद न दियो। बोले क्यों? बोले आप 85 वर्ष की अवस्था में लाला होए हुए को आशीर्वाद दे दिए। ब्राह्मण ने कही, बाबा जो आशीर्वाद सोच समझ के दियो जाए ना वाके पूर्ण होए हुए में नेक संशय रहे, पर जो आशीर्वाद हृदय से निकल जाए उसके पूर्ण होने में नेक भी संशय न रहे, तू तैयारी कर बस। कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पर रखवा देते हैं। अरे यहाँ तो ठीक है, जब हम पूर्वांचल जाते हैं, बस्ती बिहार गोरखपुर बहराइच, तो वहाँ का तो नियम है कि आप अगर कोई वक्ता पहली बार वहाँ जाए, जैसे वहाँ माताएं क्या करेंगी, जैसे मैं आ रहा हूँ तो माताएं बैठी अचानक बैठे बैठे मेरा पैर उठा करके सीधे सिर में रख लेंगी। हाँ अब समझिए, कोई नॉर्मल तरीके से चला जा रहा था तो गुरु जी गिर जाएंगे, और जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो तमाम माताएं आएंगी, महाराज अपना पैरवा हमें दे दीजिए, हमने कहा ये लीजिए। वो सोले में जो है गब्बरवा जो है हाथ ही मांग रहा था ठाकुर का, ये पैरवा मांगने में लगे हैं। तो आशीर्वाद हृदय से निकल जाता है। अब ब्रजवासी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद तो दे दियो, लेकिन चिंता है रही है कि कहीं ब्राह्मणन के वाक्य न झूठे है जाएं, या लिए सभरे ब्राह्मण मिल करके सांडिल्य मुनि के पास गए। देखिए यादवों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य और नंद बाबा के पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि ने खूब स्वागत किया है, अरे बड़ी कृपा करी जो सभरे ब्राह्मण आए। बोले महाराज अब ब्राह्मणन की लाज आपके हाथ में है। अरे नंद बाबा को याउम्र में लाला होए हुए को आशीर्वाद निकल गयो। सांडिल मुनि ने कहा, तो चलो सबरे मिल करके चलते हैं बाबा नंद के यहाँ, सबको लेके पहुंचे। नंद बाबा ने खूब स्वागत कियो और स्वागत करने के बाद नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मणन ने आज बड़ी कृपा करी जो आप पधारे।
बोले बाबा तोए ताई जो लाला होएवे को आशीर्वाद लग गयो है ना, वाकयो पूर्ण होएवे में नेक भी संशय नहीं है, लेकिन वाके लिए पहले तोए अनुष्ठान करनो पड़े। बोले कौन सो अनुष्ठान? बोले अष्टादशाक्षरी गोपाल मंत्र का 18 करोड़ जाप होगा। हम आपको जब कभी पंडित जी बताते हैं कि 1.25 लाख महामृत्युंजय करवाइए और खर्चा बताए कि हम दिमाग खराब हो जाता है, और वहां 18 करोड़ जाप होना है गोपाल मंत्र का। अब तो महाराज नंद बाबा ने भंडारे खोल दिए, यमुना तट पर बड़ा भारी यज्ञ स्थल बना, हजारन ब्राह्मण उस पर वर्णित किए गए, अनुष्ठान प्रारंभ। और जिस दिन यज्ञ की पूर्णा होती थी तो यज्ञ कुंड में जैसे ही नारियल गया, वैसे ही यज्ञ कुंड से एक नील मणि ज्योति निकली और वह प्रकाश निकल नंद बाबा के शरीर में विलीन हो गया, और वही प्रकाश नंद बाबा के शरीर से निकल करके जसोदा रानी के शरीर में विलीन हो गया। बोल नंद के लाला की हो। सांडिल्य मुनि ने कहा बाबा ये लो कृपा है गई। अरे महाराज 85 वर्ष बाद तो काऊ अच्छी सूचना मिली है, अब आपने ऐसे कह दिया कृपा है गई, ये बताइए कृपा होगी कब? सांडिल्य मुनि ने कहा रे भैया नंद कम से कम 9 महीने तो लग ही जाए। अरे फिर हम इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे। अरे ठीक है 9 महीने लग रहे हैं तो कम से कम काऊ महीनों का नाम तो बता दो। अच्छा चल इतनी बड़ी कठिनाई है तो ये जान ले कि भादों का महीना होगा। नंद बाबा ने कही हुए पूरा 30 दिन का होता है, हम इंतजार कैसे कर पाएंगे? अरे महीने में 2 पक्ष होते हैं तो कम से कम पक्ष का तो निर्णय कर दो कि शुक्ल पक्ष में होएगो कि कृष्ण पक्ष में। सांडिल्य मुनि ने कहा भैया नंद इतनी कठिनाई है तो ये जान ले कि तेरो लाला कृष्ण पक्ष में आएगो। अरे महाराज वह भी तो 15 दिन का होता है। अरे काऊ तिथि बता दो, काऊ दिन बताए दो। चल भैया नंद तो इतनी कठिनाई है तो अष्टमी तिथि होगी और बुधवार। अरे महाराज 24 घंटे कैसे कटेंगे? अरे काऊ समय तो बताए दो, काऊ नक्षत्र योग। तो सांडिल्य मुनि ने कहा पहले ही बोल देते कि पूरी जानकारी लेना है। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार हर्षण योग रोहिणी नक्षत्र और ठीक रात्रि के 12 बजे कृपा है जाएगी। बोल नंद के लाला की। अब देखिए जिस दिन यह शुभ मुहूर्त आया तो वैसे तो ब्रजमंडल ब्रज 84 कोस में जब से ये सूचना मिली है कि लाला होना है तभी से बधाइयां बजने लग गई। 1 महीने जैसे शेष रहे भादों का महीना आया, बधाइयां और जोर जोर बजने लगी। और जिस दिन वो अष्टमी तिथि रही सुबह से ही गोपियां ग्वारिये बछड़े गैया सबरे भीड़ लगी हुई है, और सबरे आए आए के पूछते हैं बाबा कछु भयो की ना है, कही तो आज की ही थी ना। बोले हाँ भैया कही तो आज की ही थी भी अभी तो भयो ना है। तो कब होएगो? बोले बाद को पतो ना है। अब पूछने वाले इतने आए कि बाबा नंद माला में भगवान का नाम जप रहे थे तो मंत्र भूल गया, माला में सिर्फ एक ही मंत्र याद रह गया अभी तो भयो ना है और बाद को कछु पतो ना है। ये संदेशा देना चाह रहे हैं कि अभी भजन नहीं हुआ, और जो लोग सोचते हैं बाद में कर लेंगे तो बाद को पतो नाए। 8 बजे तक जो भी आवे भैया नंद लाला है जाए तो बतइयो जरूर, छुपइयो ना। नंद बाबा ने करे भैया या में काऊ छुपावे वाली बात है जाए को तुम सबन को लाला है सबन को सूचना मिल जाएगी। 8 बजे तक सबरे पूछ पूछ के जा रहे हैं, 9 बजे तक रोहिणी आई वह भी गई, नंद बाबा भी विश्राम करने लगे। इस भवन में माया का वह प्रभाव कि सबरे सो रहे हैं लेकिन 2 लोगों को नींद नहीं आ रही। अब आप सोचिए नींद किन्हें नहीं आ रही? नंद बाबा की 2 बहनें हैं नंदा और सुनंदा। जब उन्हें पता लगा कि भाभी के यहां लाला होने का आशीर्वाद लगा है तो 6 महीने पहले से ही डेरा डाल के बैठ गई। हाँ
अब यहाँ भी नंद इंतजार करती हैं कि भाभी के लाला होए तो हम बधाई मांगे, बकाऊ योजना ही सफल ना दिख रही, पर भगवान की कृपा है जाए तो कछु भी हो सके। अब इन लोगों ने पहले से दोनों बहनों ने दिमाग लगा रखा है यशोदा रानी के नौलखा हार पे, भाभी यदि लाला है गयो ना हम दोनों के बीच में ये नौलखा हार दे दीजो, हम बारी बारी से पहनती रहेंगे, इसलिए ने नींद नहीं आ रही। अच्छा देखिए, मथुरा में रात्रि के ठीक 12 बजे भयो लाला, और नंदगाम में ठीक रात्रि के 12 बजे भयो लाली, माया का प्रवाह बंधन खुल गए, वसुदेव जी लाला है सूप में लेके चले, तो जैसे ही चले तो बादलों ने देखा कि हमारे श्याम आ रहे हैं, तो क्यों ना घनश्याम उनका स्वागत करें। हाँ घन घोर घटा चहोर गिरी, घन घोर घटा चहोर गिरी, रिम झिम बूंदिया बरसाए रही, घन घोर घटा चहोर जल थोड़ी तक आए गयो, जब जल थोड़ी तक आए गयो, कोलियों की धुनी गुंजार रही, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जल कालिंदी को बढ़ने लग्यो, वे पग परसन को आए रही, यमुना मैया ने देखा हमारे प्रियतम आ रहे हैं, तपस्या सफल है गई, सतयुग त्रेता द्वापर, तो यमुना मैया ने सोचा हमारे सरकार आ रहे हैं तो कम से कम मुखड़ा तो दिख ही जाए, पर सरकार को मुखड़ा तब दिखेगा जब ससुर जी डूब जाएंगे। अब भगवान ये लीला देख रहे हैं, गजब की बहू है, ससुर जी की एको फिकर ना है, तो भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया, चल नीचे, ससुर जी खड़े हैं और घूंघट उघाड़े चली आ रही है, दसोई स्पर्श पाते ही महाराज यमुना जी घुटनों के बल चली गई। अब देखिए लाला और लाली की अदला बदली में सुबह के 3 बज गए, लाला रख दिया, लाली उठाई लिया वापस लेके गए, कंस को पता लगा, कंस गया उनके हाथ से छूट करके, वह लाली अष्टभुजी बन करके विंध्य पर्वत में विराजमान हुई है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की, भगवान की बहन है विंध्यवासिनी मैया। इधर भगवान पीताम्बरी ओढ़े पौड़े भाई हैं और सबरे सोए रहे हैं। आप सब लोगों का ध्यान किधर है? हम इधर है और ध्यान किधर है? स्टूडेंट की आदत होती है जब तक टीचर उसे डांटे ना सुधरते नहीं, कोई इधर झांक रहा है, कोई उधर झांक रहा है, काय भाई है काय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान पीताम्बरी ओढ़े भय पौड़े हैं, भगवान ने विचार किया कि मेरा जन्म है गया और सबरे सोए रहे हैं, इन्हें ये कैसे पता लगे कि मेरा जन्म है गया। फिर भगवान विचार करते हैं कि मैं ही यशोदा मैया को जगा देता हूँ, अरे मैया जग मैं है गया हूँ। मैया कहेगी लाला भयो की बवाल जो स्वयं कह रहा है मैया जग मैं है गया हूँ, इन सबको इन सबन को पता कैसे लगे। बोले हमें पता लगा है कि जब लाला अथवा लाली जन्म लेती है तो जितना जोर से रोती है घर वाले उतने ही जोर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान ने विचार किया क्या हमें भी रोना पड़ेगा। फिर स्मरण आया कि यहां जो जन्म लेगा वो चाहे ईश्वर हो चाहे जीव हो, यहां सबको रोना पड़ेगा।
हाँ सुनी वचन सो जाना रोदन ठाना हे बालक सुर वो सुनी वचन सो जाना रोदन ठाना हे बालक सुर वो यह चरित जे गावै हरि पद पावै तो बड़ी जोर से रोए थे त्रेता में। स्मरण है आप लोगों को, जब जानकी मैया का हरण हुआ। अच्छा, आपको भी पता है, राम जी को भी पता है कि जो वास्तविक सीता हैं, उनका पहले ही स्थान अग्नि में दे दिया। तुम पावक महु करहु निवास। तो किसी ने राम जी से हास परिहास करते हुए पूछा कि जब आपको पता था कि वास्तविक जो सीता है वो अग्नि में है और छाया सीता का हरण हुआ है, तो इतनी जोर जोर से रोने की जरूरत क्या थी? भाई हमें पता हो कि हमारे पास जो डायमंड है असली वाला रखा है, कोई नकली चुरा ले गया, तो उसमें रोने की कौन सी बात है? भगवान ने कहा देखो, यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसके पीछे कारण है। बोले कौन सा कारण है? भगवान ने कहा जब हम दंडकारण्य गए अपनी धर्म पत्नी जानकी जी के साथ, तो दंडकारण्य में हजार हजार वर्ष से ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य रह के साधना कर रहे थे। तो जो हजार हजार वर्ष से ब्रह्मचर्य रह के साधना करने वाले ऋषियों ने जब मुझे पत्नी के साथ देखा, तो उनके मन में भाव आया कि गृहस्थ जीवन में ज्यादा आनंद है, हम फालतुए बाबा बने यहाँ घूम रहे हैं। तो सबके मन में भाव आया कि काश हमारा भी विवाह हो जाए। अच्छा, ये सूचना जब भगवान को पता लगी तो भगवान ने कहा गजब हो गया, ये तो पूरी लीला ही बिगड़ जाएगी। अच्छा, तो ऋषियों से किसी ने पूछा कि आप सब विवाह के लिए तैयार हो, तो आप सब ये बताइए कि आप सबको इतनी कन्याएं कहाँ मिलेंगी जंगल में? ऋषियों ने कहा हमने उपाय खोज लिया है। बोले वो कौन सा है? बोले हमने सुना है कि भगवान ने शिला पर अपना चरण स्पर्श कराया तो स्त्री बन गई। तीन ऋषियों ने क्या किया कि अपनी अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा बड़ा पत्थर रख कर से लोग बैठ गए, सबकी कुटिया के बाहर एक बड़ा बड़ा पत्थर कि जब राम जी यहाँ से आएंगे तो हम कहेंगे सरकार बड़ी कृपा करी जो आप आए, पर इतनी कृपा और कर दीजिए कि अपना चरण स्पर्श कराते जाइए इन शिलाओं पर, तो भगवान चरण स्पर्श कराते जाएंगे, शिला स्त्री बनती जाएंगी और हम सब विवाह करते जाएंगे। भगवान ने कहा गजब का उपाय खोजा इन लोगों ने, सबरी लीला बिगाड़ के रखने वाले हैं। तो भगवान ने सोचा अच्छा, इन्हें मेरा एक पक्ष तो दिखाई दे रहा है कि पत्नी के साथ कितना सुख है, लेकिन इन्होंने दूसरा पक्ष नहीं देखा कि यदि सुख है, आज यदि हम हंसे हैं प्रसन्न हुए हैं, तो उसका दूसरा पक्ष है कि रोना पड़ेगा। तो इसीलिए जब जानकी जी का हरण हुआ तो जानबूझ के भगवान इतनी जोर जोर से रो रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ऋषियों ने जब राम जी को इतनी जोर जोर से रोते हुए देखा तो ऋषियों ने कहा भैया राजकुमार रो क्यों रहा है? किसी ने कहा इसलिए रो रहा है किसी ने इनकी धर्म पत्नी का हरण कर लिया है, अपहरण कर लिया है। ऋषियों ने कहा क्या इसका मतलब है? ये तो राजकुमार है, इसके पास धनुष बाण है, तो जब ये अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया तो हम बाबा बैरागी का करेंगे। इसलिए जिस काम में रोना पड़े वो काम ही स्थगित। सबकी भावनाएं बदल गई, बोले विवाह नहीं करना। जिस काम में रोना पड़े, भागना पड़े, चिल्लाना पड़े, वो काम ही बंद करो।
तो भगवान आज जैसे ही रोए तो किसी को खबर नहीं लगी, लेकिन नंदा और सुनंदा, ननंद रानी, भागती भैयाई, अब भगवान पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, तो दोनों ने पहले हाथ जोड़ लिया, पीताम्बर को हटाया नहीं, और कहती हैं, हे नारायण भगवान कृपा करना, अरे भाभी ने 6 महीने से इतना काम करवाया है, अगर कहीं लाला की जगह लाली है गई तो सबरी मेहनत करी कराई यहीं रह जाएगी, हे भगवान। और थोड़ी से मुखड़ा उघाड़ के देख लेती हैं और फिर ढक देती हैं और फिर स्तुति करती हैं, हे नारायण भगवान ध्यान रखियो। और स्तुति करके जैसे ही पूरी पीतांबरी हटाती हैं, सोई थाली बजा करके नाचने लग गई, है गयो है गयो है गयो, भूल नंद के लाला की, भागती भागती गई। उस समय 4 बज गए, नंद बाबा गौशाले में गायों की सेवा कर रहे थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं। जिस समय की ये चर्चा मैं कर रहा हूं द्वापर की, उस समय जिसके पास जितनी ज्यादा गईया वो उतनो बड़ो भारी आदमी मानो जाए। आज जैसे जिसके पास जितनी कार जितनी फ्लैट हो शहर में बड़ो आदमी मानो जाए, उस समय जिसके पास जितनी ज्यादा गईया उतनो बड़ो भारी आदमी मानो जाए। 9 लाख गईया हैं इनके पास, लेकिन आज सुबह से ही गायों के थनों से दूध अपने आप झड़ रहा है। और नंद बाबा जैसे ही गए तो गायें बड़े प्यार से सींग मार मार के नंद बाबा को बाहर कर रही हैं। गायें कहना चाहती हैं, बाबा आज तो ही जरूरत यहाँ गौशाले में नहीं है, तो एक गौ सेवा को फल मिल गयो, जा मुखड़ा देख के आ तो ताई लाला है गयो। इधर से भागती भागती नंदा सुनंदा आई, बाबा है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कही, बहना बता तो सही का भयो। बोले, ऐसे ना बताएं, तिजोरी की चाबी कहाँ है, सूचना मिलने के बाद कोई गारंटी नहीं। अच्छा बहना ये ले चाबी, अब तो बोल सही कहा भयो। नंदा सुनंदा ने कही, बाबा तोए ताई या 85 वर्ष की अवस्था में लाला भयो है, बोल नंद के लाला की जय हो। अब तो जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि आनंद हो गया, तो भागते भागते गए और 100 मीटर दूर से ही यमुना जी में छलांग लगा दिया। आज मान युवा हो गए हों, और नंद बाबा ने आज यहाँ 108 डुबकी लगाई है। और डुबकी ऐसे नहीं लगा रहे हैं, एक डुबकी लगाते हैं, गिनती करते हैं, एक लाला भयो झम, दो लाला भयो झम, ऐसे 108 बार बोल करके 108 डुबकी लगाई। और वहां से जब आए तब तक महाराज नंद भवन में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। गईया, बछड़े, गोपियां, ग्वारिये, नंद बाबा तो जल्दी से आगे बढ़ने लगे कि भाई अपनो लाला है, सोई चल के मुखड़ा देखे हमें। एक छोरा ने कहा, बाबा नियम में रहो, हम सबरे सुबह से लाइन लगाए खड़े हैं और तुम गप से आगे बढ़े जा रहे हो, चलो पीछे लाइन में लग जाओ, जब तेरो नंबर आ जाए तब मुखड़ा देखियो। नंद बाबा ने कहा, गजब है गयो, घर को छोरा और वाके ता इतनो बड़ो भारी लंबी लाइन में हमें लगा रहे हो। अच्छा यही घटना त्रेता में भी हुई, जब केवट ने भगवान के चरण धोए तो केवट ने पूरे क्षेत्र में डिग्गी पिटवा दिया कि पालनहार आए हैं, पूर्वजों को तार लो, आओ चरणोदक बट रहा है। अब तो महाराज पूरे क्षेत्र के केवट आए गए, अब बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। लखन भैया ने सोचा, अरे बड़े भैया का चरणोदक है, चलो हम भी ले लें, तो सोई दौड़ के गए और गप से आगे हाथ कर दिया। केवट ने तिरछी नजर से देखा, अच्छा ये सब पागल है हमारे परिवार वाले, जो धूप में इतनी देर से बड़ी लंबी लाइन लगाए हो, आप गप से आए हाथ आगे कर दिया, चलो पीछे लग जाओ, जब तेरो नंबर आ जाए तब बताइए। अब लखन भैया तो जानते ही हैं, तिरछी नजर से राम जी की तरफ देखा। राम जी ने इशारे से कहा, भैया लखन हम अयोध्या के राजकुमार हैं, यहाँ के नहीं हैं, यहाँ ये जैसा कह रहा है वैसा करो, पीछे लग जाओ चुपचाप। अब तो नंद बाबा काऊ आगे न बढ़ने दे। एक छोरा आयो आने कही, बाबा तो ये पतो है, जब पहली बार लाला है मुखड़ा देखने जाए ना तो सज धज के जानो चाहिए,
नंद बाबा ने की भैया या उम्र में मोए दिखे न। लालाओं ने कहा तो हम सब मिल के तो सजा दें। अब सगरे जितने ब्रजवासी छोरा हैं नंद बाबा है, मिल करके सजावे में लग गए। बढ़िया पाग बांध दई, बड़ी त्रिफुलेल गुलाल लगा दियो और बढ़िया एकदम नंद बाबा के फेंट बांध दई। आ हा चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। एक ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई काली। देखिए जो 85 वर्ष का बूढ़ा है महाराज, आज ठुमके देके वहां नाच रहा है मानो जवान हो गया हो। ना जाने किस ऋषि ने धागा हाथ लपेटा, नंद भवन अनहोनी हो गई बेटी, हो गया बेटा। कानों कान में बात चली, सोचे हर ब्रज वाला, नंद जुगोरे यशोदा गोरी, अलाला के ही विधि काला। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई सखियों, 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 लख बार बधाई। नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात में नंद बाबा
झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई सौ सौ बार बधाई सखियों सौ सौ बार बधाई सौ सौ बार बधाई सखियों सौ सौ बार बधाई बधाई हो भाई लोग, बधाई हो। मौन है सब जने, आप लोगों को नेको खुशी ना है लाला के जन्म की। यहाँ की ब्रज गोपियां बधाई हो। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जिन ब्राह्मणन के आशीर्वाद से या उम्र में लाला भयो है, उन सबन ब्राह्मणन को नंद बाबा ने अपने यहां बुलाया। वेदव्यास जी कहते हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा नातः शुचिः अलंकृतः नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादः। नंद बाबा के यहाँ काऊ प्राकृतिक लाला ने जन्म ना लिए। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलाद, स्वयं आनंद ने जन्म लिया है। तो जिन ब्राह्मणन के आशीर्वाद से लाला भयो आहूय विप्राण वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को, आचार्यों को, सबको बुलाया और एक स्वर में हजारों ब्राह्मणन ने मिलकर के स्वस्ति वाचन गाया। हरि ओम्मा स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति ना पोखा विश्वावेदाः स्वस्ति नस्तारिच्छो आरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् वाचयित्वा स्वस्त्ययनो जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। आज ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बिठा लिया। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा, देवताओं का और पितरों का दिव्य पूजन नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि के द्वारा कराया। लेकिन नंद बाबा को मन नहीं लग रहे हो, क्यों? अरे 85 वर्ष में जिसके यहाँ लाला हो और वो भी साक्षात नारायण, वहां को मन लगेगो? अब आचार्य तो कहते हैं कि बाबा आप जो है पुष्प चढ़ाओ, अब इनका मन ना ही लग रहे हो तो पुष्प की जगह लेकर के चावल चढ़ा जाए। आचार्य समझ गए, बोले बाबा आप संकल्प कर दो, हम सबरे मिलके पूजा कर लेंगे, आप जाओ पहले लालाए मुखड़ा दे के आओ। आज नंद बाबा ने गजब को संकल्प किया। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते तिलात्रीन सप्तरत्नौघा सात कौभाम्बरप्रिता। आज नंद बाबा ने 2,00,000 गायों के दान का संकल्प किया। कितनी? धेनु नाम नियुते प्रादा, 2,00,000 गाय।
और गायें ऐसी नहीं है, जिन गायों का दान कर रहे हैं उनके सींग स्वर्ण से मढ़े हुए हैं, खुर चांदी से मढ़े हुए हैं, सवत्सा दूध देने वाली गाय। और जिस ब्राह्मण को जो गाय दे रहे हैं उस गाय के साथ साथ एक वर्ष के खाएवे पीवे वाली सामग्री साथ में दे रहे हैं। तिला त्रीन सप्त रत्न उघा, तिल के बड़े बड़े सात पर्वत बनाए, उनके अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी छिपा दिए। और ऐसे बड़े बड़े सार सात पर्वत बना करके संकल्प कर दिया। आज नंद बाबा ने इतना दान दिया कि जो दान लेने वाले थे वो दानदाता बन गए। एक मांगने वाला एक टोकरी भर भर के चांदी के बर्तन लिए चला रहा था। सामने वाले ने कहा ये बता तो नंद बाबा ने कहा दियो। वह ने कही मोहे नंद बाबा ने इतने सारे चांदी के बर्तन दिए। सामने वाले ने कहा बाबरा है गयो का, अरे दो नंबर के दरवाजे पे जा वहां सोने के बर्तन बट रहे हैं। तो वह ने चांदी के वहीं फेंक दिया। भागता हुआ गया, एक टोकरी भर भर के सोने के बर्तन लिए चला रहा। अगला आदमी मिला तो नंद बाबा ने कहा दियो। वह ने कही मोहे नंद बाबा ने सोने के बर्तन दिए। सामने वाले ने कहा बाबरा है गयो का, अरे चार नंबर के दरवाजे पर जा हीरे जवाहरात बट रहे हैं। तो आने सोने के बर्तन भी वहीं पटक दिया। रमा क्रीडाम भोन रप, भागवत जी में आया है कि लक्ष्मी वहां नाचती है। अरे लक्ष्मी पति का जहां अवतार हुआ हो वहां लक्ष्मी का कभी अभाव होगा? हाँ, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अनधन सो बधाई।
भाई जो महोत्सव चल रहा है भगवान के जन्म का, उस जन्म के महोत्सव में नंद बाबा कौन है हमारे सुभाष जी, और जसोदा रानी है हमारी मधु जी। बाबा लुटावे अनधन सोना, वस्त्र लुटावे मैया बधैया, वस्त्र लुटावे मैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे। बधाई हो आलसियों, बधाई हो। अरे दोपहर के शाम होने वाली है, सबरे चगा चक खाए पी के आए हो ना, याली बड़ी जोर की बधाई। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो ज्यादा बोलती हैं, और नई नई बहू गए बधाई हो। ये बात भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आपने सुना होगा कि हाथी दीन है, घोड़ा दीन है, और दीन ही पालकी। अब आप विचार करिए, जो मांगने वाले आए हैं, नंद बाबा तो हाथी घोड़े पालकी दे रहे हैं, पर इनका दान ले कौन रहा है? अरे भाई जो गरीब आदमी मांगने आया है, तो यदि हाथी ले भी ले, हाथी लेना सरल है, तो खिलाएगा क्या उसे, वो तो स्वयं भूखा रहता है तब तो मांग रहा है। अरे घोड़ा ले लेना सरल है, पर लेगा कौन? और पालकी, अरे मोटरसाइकिल में एक ड्राइवर लगता है, पालकी में चार लगते हैं। तो दिया तो जा रहा है, पर ये ले कौन रहा है? बोले देव लोक से देवताएं हैं, वेश बदल करके। भोले बाबा भी मैया पार्वती नांदिया गणपति को लेकर के आए हैं बधाई लूटने और लुटाने। जिस समय गायों के दान का संकल्प हो रहा था, उस समय भोले बाबा ने नांदिया को अपनी ओट में छिपा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि आए गैया समझ के बाबा संकल्प कर जाए। सो